तत्काल संदेश में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, बेलोरों की चपेट में आने से बाइक सवार युवक के गंगेय अस्पताल में निकले प्राण। SGMH में पहले चाची फिर मां ने तोड़ा दम। रीवा 7 घंटे पहले हादसे के बाद रोते परिजन, तत्काल संदेश। शादी की खरीदारी करने जा रहे थे दूल्हा सहित अन्य लोग। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों की माने तो कलवारी मोड़ के पास अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों को गंगेय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल चाची और मां को संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल भिजवाया गया। आकस्मिक चिकित्सा इकाई पहुंची दोनों महिलाओं का आनन फानन में उपचार शुरू किया गया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। सोमवार को PM उपरांत तीनों डेड बॉडियां गृहग्राम के लिए रवाना की गई। गढ़ थाना प्रभारी RK गायकवाड़ ने बताया कि रविवार की दोपहर एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग शादी की खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। बाइक नागेंद्र साकेत पुत्र त्रिवेणी साकेत 24 निवासी ग्राम काकर चला रहा था। वहीं मां शिवकली साकेत और चाची तारा देवी साकेत पीछे बैठी हुई थी। जैसे ही बाइक कलवारी मोड़ के समीप पहुंची तो सामने से आ रही बेलोरो की ठोकर लग गई। हादसे की बाद तीनों लहूलुहान होकर सड़क पर बिखर गए। तीनों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई, एक की गंगेय तो दो की रीवा में मौत। स्थानीय राहगीरों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से तीनों को लेकर गंगेय अस्पताल पहुंची, जहां नागेंद्र साकेत ने दम तोड़ दिया, जबकि मां और चाची की हालत को नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के SGMH रेफर कर दिया। लेकिन चिकित्सकों के उपचार शुरू करने से पहले ही बारी बारी से दोनों की मौत हो गई। आने वाले 17 अप्रैल को होनी थी शादी। मृतक के परिजनों ने रोते विलखते हुए बताया कि आने वाले 17 अप्रैल को नागेंद्र साकेत की शादी होने वाली थी। घर में लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, सिर्फ बाजार का काम बचा था। ऐसे में चाची और मां को लेकर नागेंद्र साकेत बाजार जा रहा था। रविवार को आभूषण और गहने खरीदना था, लेकिन इस हादसे से परिवार में मातम छा गया। जिस घर में दुल्हन आनी थी, वहां अब एक साथ 3 पत्नियां उठेंगी।